यमुना एक्सप्रेस वे पर ऐसे देखेंगे तो मल्टीपल आपको सोसाइटीज मिलेंगी, बट टाउनशिप के टर्म्स में आपको दो तीन सोसाइटी ही मोस्टली से आपको ही पता होगा। एक गौर की प्रॉपर्टी है 250 एकड़ की, सेकंड ATS वन ऑफ द लार्जेस्ट इन 100 एकड़, के बाद ऑरिस का जो प्लॉट की पूरी टाउनशिप है वो भी 100 एकड़, फिर सुपरटेक की प्रॉपर्टी आती है। तो आज मैं जिस प्रॉपर्टी की बात करने वाला हूँ वो ATS ग्रुप की प्रॉपर्टी ATS एल्यूर। शशिरा सिंह, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इसके पहले आपको थोड़ा मैं और भी रिमाइंड कर दूं, ये जो ATS की प्रॉपर्टी है पूरी 100 एकड़ की टाउनशिप है, 100 एकड़ में अभी पहला फेज लगभग 8.5 या 9 एकड़ का ATS एल्यूर अभी डिलीवर किया हुआ है, जिस पर मैं अभी खड़ा हूँ, जिसकी बात करने वाला हूँ। इसके अलावा 8 ग्रुप हाउसिंग अभी और भी ATS एल्यूर की जैसी और आने वाली है, फ्यूचर प्रेडिक्शन है। आज के डेट में अगर मैं बात करूँ तो ATS एल्यूर बनकर पूरा का पूरा डिलीवर हो चुका है। इट्स नाउ अ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, जहाँ पर आप आज की डेट में इन्वेस्ट करके फैमिली आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। बात करेंगे इस लोकेशन की, तो सबसे बड़ी यूएसपी है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे आज के रेट में जितनी मेजर इंडस्ट्रीज है, मेजर जो फैक्ट्रीज वगैरह की जो लैंड है उसकी जो अलॉटमेंट है, सारा का सारा यमुना एक्सप्रेसवे पर ही हो रहा है। मेजर जो ITs कंपनी है वो यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको ITs का जोन वहाँ पर दे रखा है। ATS के जस्ट बैक साइड आप देखेंगे कि जो पतंजलि का आपका फूड पार्क है, वीवो का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सब ये 1.5 किलोमीटर के रेंज में आते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो हब है वो कहीं ना कहीं ATS के लगभग 1.5 किलोमीटर के रेंज में आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करूँ मैं टॉय सिटी की, इलेक्ट्रॉनिक सिटी की, फिल्म सिटी की, ये जितने भी सिटीज़ बन रहे हैं वो सारे के सारे आपके ATS एल्यूर के लगभग 1.5 किलोमीटर के रेंज में आपको वो सारे सिटीज़ बन रहे हैं। तो ओवरऑल ये है कि ATS में लेने के सबसे बड़ी एडवांटेज, एक तो बड़ा टैग, बड़ी डेवलपमेंट, 100 एकड़ का पूरा प्लान, इसके अलावा जितनी ये जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज है वो सारे के सारे 1.5 से 2 किलोमीटर के रेंज में आते हैं। तो अभी तक जो भी मैंने ATS में प्रॉपर्टी सेल करी हुई है उन कस्टमर्स को जो हमने एक्चुअल फीडबैक दिया था कि यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट आएगी, पिछले तीन से चार साल स्टेज तो स्लो होगी, लेकिन आज की डेट में वो स्टेज बहुत फास्ट है डेवलपमेंट की। जो प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 22D की लोकेशन में आती है यमुना एक्सप्रेस वे पर। आप देख सकते हैं कि मैं जिस बालकनी में खड़ा हूँ इट्स ऑन दी 23rd फ्लोर, इसके ऊपर भी टेरेस का कॉन्सेप्ट आता है। और यहाँ से आप व्यू की बात कर लो, अभी के डेट में बिल्डर के पास जो इन्वेंट्री बची है वो सारी की सारी अपर फ्लोर्स की इन्वेंट्री बची है, बट जो इन्वेंट्री आपके पास बची है अब आज के पास बिल्डर के पास जो बची हुई है उससे व्यू की बात करेंगे तो काफ़ी अल्टीमेट व्यू आपको मिलने वाला है। तो लगभग टिकट साइज़ की बात कर लूँ तो अगर 2 BHK अगर आप इसमें लेते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 47 to 50 lakh की कॉस्टिंग आती है। इफ वी टॉक अबाउट द 3 BHK कॉस्टिंग तो अप्रॉक्सीमेटली वो 55 से 60 lakh रुपये की कॉस्टिंग आती है एक्सक्लूडिंग और रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो दिस इज़ द कोटेशन, आप देख लीजिए अगर बजट को सूट करता है तो दिस इज़ द गोइंग टू द फाइनेस्ट प्रॉपर्टी जो ATS ने यहाँ पर डिलीवर किया हुआ है। इसके सराउंडिंग बेल्ट की बात करूँ तो आपकी गौर की प्रॉपर्टी आती है, गौर यमुना सिटी, कॉस्टिंग लगभग सिमिलर ही चल रहा है। ATS के पीछे आपकी ओएसिस की प्रॉपर्टी आती है, कॉस्टिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। उसके बाद कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट है। तो एक बार जब आप मुझसे कनेक्ट करेंगे यमुना एक्सप्रेस के इन्वेस्टमेंट के लिए तो आई कैन गाइड यू कि कहाँ पर आपको पैसे लगाना चाहिए, कितने साल के आपको लॉक इन रखने चाहिए ताकि आपको एक मैक्सिमम रिटर्न्स आपको मिल सके। और 3 BHK में वैसे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो लिमिटेड ऑप्शंस आज के रेट में बिल्डर के पास बचे हुए हैं, बट जो रेट्स आपको हम आज के रेट में दे रहे हैं वो रेट काफ़ी इफेक्टिव है। आई थिंक आने वाले टाइम वो 2 से 2500 रुपये आप इसमें पर स्क्वायर फीट के रेट एज ए अप्रिसिएशन इसमें से इस प्रोजेक्ट से आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर 2024 में मैं एयरपोर्ट की बात करूँ, एयरपोर्ट जैसे ही ऑपरेशनल होता है 2024 में, फिर यहाँ के जो रेट्स होंगे वो स्लाइटली अप जाएंगे, उस टाइम पर हो सकता है फिर आपका बजट अलाउ ना करे इस पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, जहाँ आप अपार्टमेंट्स ले लो, प्लॉट्स ले लो, अथॉरिटी के प्लॉट्स ले लो,
किसी भी एक्स वाई जेड चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि आज की जो कॉस्टिंग है वो रीजनेबल कॉस्टिंग है अगर हम 3 से 4 साल आगे की बात करेंगे तो। ATS की ये प्रॉपर्टी मैं 2015-16 से सेल कर रहा हूँ, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मेरा भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में डील करने का। तो एक होता है कि आपने एक प्रॉपर्टी को बिल्कुल इनिशियल स्टेज से आप डील कर रहे हो, तो उस पर बेनिफिट होता है कि डे वन से जो प्रोज एंड कॉन्स होती है प्रॉपर्टी की, लोकेशन के जो एडवांटेज होती है डिसएडवांटेज होती है वो सारा कुछ ऑलरेडी अच्छे से पता है। तो यमुना पर अगर फ्यूचर में भी कोई ATS यहाँ पर दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है, ATS हेजेस की प्लानिंग थी, कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट की भी प्लानिंग चल रही थी, कोई भी इन्वेस्टमेंट मतलब आती है तो आप मेरे थ्रू ले सकते हो, क्योंकि इस लोकेशन को मैं डे वन से सेल करते हुए अच्छे से जाना है कि आपको कहाँ पर यहाँ इस लोकेलिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक चीज़ और भी है कि जब आप एयरपोर्ट से आते हो तो हाई रेस डेवलपमेंट बहुत ही लिमिटेड अलाउड है, जिसमें ATS सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी आती है। एक बहुत बड़ी USP होगी कि कल को इसकी वैल्यू, रीसेल वैल्यू अचानक से आपको कहीं ना कहीं ऊपर और चली जाएगी। तो इस लोकेशन में कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो, एक बार आप मुझसे गाइडेंस ले लो कौन से में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉक इन वगैरह सारा कुछ बता दूंगा, बट एक चीज़ कन्फर्म है, इस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको जो रिटर्न्स है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में विद सम न्यू आर्टिकल्स। इस ब्लॉग को देखने के बाद कोई यमुना एक्सप्रेसवे की साइड में कोई इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग होती है तो एक बार आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।